हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड हमारे बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 159 में है पहला क्वेश्चन। अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स। दैट मीन्स एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में टॉल पी प्लांट जिसमें वायलेट फ्लावर है उसको क्रॉस करा दिया गया शॉर्ट पी प्लांट जिसमें व्हाइट फ्लावर है। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट। इस क्रॉस की वजह से जितने भी प्रोजेनी हुए सब प्लांट में वायलेट फ्लावर हुआ, लेकिन 50% प्रोजेनी शॉर्ट हुआ। This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as A, B, C or D. That means हम लोगों को tall parent का genetic makeup बताना है। चलो इस question को solve करते हैं। इस question में dihybrid cross दिया हुआ है। Dihybrid cross उसको कहते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो character के ऊपर ही focus करते हैं। इस question में जो पहला character है वो है height of the plant और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है फ्लावर का कलर। क्वेश्चन बोल रहा है जब हम एक टॉल प्लांट हैविंग पर्पल फ्लावर को क्रॉस करा रहे हैं एक शॉर्ट प्लांट हैविंग व्हाइट फ्लावर के साथ, तो जितना भी ऑफस्प्रिंग हो रहा है सब में पर्पल फ्लावर हो रहा है, लेकिन 50% ऑफस्प्रिंग शॉर्ट हो जा रहा है। अगर 50% शॉर्ट हो जा रहा है तो रेस्ट 50% टॉल होगा। मतलब जितना भी ऑफस्प्रिंग हो रहा है उसमें 50% ऑफस्प्रिंग टॉल विद पर्पल फ्लावर हो रहा है एंड 50% ऑफस्प्रिंग शॉर्ट विद पर्पल फ्लावर हो रहा है। इतना सारा इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों को टॉल प्लांट के जीनोटाइप को बताना है। देखो क्वेश्चन सुनने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाकर सॉल्व करेंगे। दैट मींस हम लोग एक एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लांट के हाइट को लेते हैं। हम जानते हैं कि हाइट जीन के लिए दो तरह का एलील होता है, एक कैपिटल टी टॉलनेस के लिए और दूसरा स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए। टॉलनेस डोमिनेंट एलील है इसीलिए इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं एंड ड्वार्फनेस रिसेसिव एलील है, रिसेसिव ट्रेट है इसीलिए इसको हम स्मॉल टी से लिखते हैं। एक जीन में दो एलील होता है और रिसेसिव ट्रेट तभी दिखाई देता है जब दोनों एलील रिसेसिव हो। मतलब अगर कोई प्लांट शॉर्ट है दैट मींस उसके जीन में जो दोनों एलील है वो दोनों एलील स्मॉल टी वाला है। वही टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो दो तरह का हो सकता है, या तो दोनों एलील कैपिटल टी वाला हो, या फिर दो में से एक एलील कैपिटल टी का हो और एक एलील स्मॉल टी का हो। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसका दो जीनोटाइप हो सकता है। देखो यहाँ पे जो टॉल है वो डोमिनेंट है तो इसका दो जीनोटाइप है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीनोटाइप होता है, यहाँ पे शॉर्ट रिसेसिव ट्रेट है इसीलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीनोटाइप है स्मॉल टी। कैपिटल टी को होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को हेटरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कहते हैं एंड स्मॉल टी को होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कहते हैं। याद रखना जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही दिखाई देता है। वहीं डोमिनेंट ट्रेट के लिए दो तरह का जीनोटाइप हो सकता है, एक तो दोनों एलील डोमिनेंट हो सकता है या फिर दोनों में से एक एलील डोमिनेंट हो सकता है और एक एलील रिसेसिव हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराया गया और जो प्रोजेनी पैदा हुआ उसमें 50% शॉर्ट पैदा हुआ और 50% टॉल पैदा हुआ। तो बताओ जो टॉल पेरेंट है उसका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। चलो हम लोग एक बार होमोजाइगस टॉल को शॉर्ट के साथ क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग क्या होगा, और एक बार हेटरोजाइगस टॉल को शॉर्ट के साथ क्रॉस कराकर देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग क्या होगा। सबसे पहले हम लोग होमोजाइगस टॉल प्लांट को लेते हैं और उसको शॉर्ट प्लांट के साथ में क्रॉस कराते हैं। याद करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से पढ़े हैं।
उसमें हम लोग पढ़े हैं कि जब दो प्लांट क्रॉस करता है तो सबसे पहले गैमिट बनता है, और जब गैमिट बनता है तो एलील्स अलग हो जाता है। ये कैपिटल टी अलग होकर के क्या बनाएगा, गैमिट में सिर्फ एक कैपिटल टी जाएगा इस तरह से, और स्मॉल टी अलग हो जाएगा और गैमिट में सिर्फ एक स्मॉल टी जाएगा इस तरह से। ये जो होमोजाइगस टॉल प्लांट है ये एक ही तरह का गैमिट बनाएगा, सभी गैमिट में कैपिटल टी होगा, और ये जो शॉर्ट प्लांट है ये भी एक ही तरह का गैमिट बनाएगा, सभी गैमिट में स्मॉल टी होगा। अब ये गैमिट्स आपस में फ्यूज करके प्रोजेनी बनाएंगे, उसके लिए हम लोग पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, और पनेट स्क्वायर के दोनों तरफ दोनों प्लांट के गैमिट्स को लिख देते हैं, एक तरफ ड्वार्फ प्लांट के गैमिट को लिख दिए और एक तरफ टॉल प्लांट के गैमिट को लिख दिए। जब टॉल प्लांट का कैपिटल टी ड्वार्फ प्लांट के स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरह से यहां भी प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां भी प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां भी प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सारा का सारा प्रोजेनी कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है, दैट मींस सारा का सारा प्रोजेनी कैसा दिखेगा, सारा का सारा प्रोजेनी जो है वो टॉल दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 50% प्रोजेनी शॉर्ट है। तो अब हम लोग हेटरोजाइगस टॉल को शॉर्ट के साथ में क्रॉस करा करके देख लेते हैं कि प्रोजेनी कैसा बनेगा। जब क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले ये जो टॉल प्लांट है इसका गैमेट बनेगा, ये हेटरोजाइगस टॉल है तो जो गैमेट बनेगा एलील अलग हो जाएगा, एलील अलग हो जाएगा तो एक गैमेट में आ जाएगा कैपिटल टी और एक तरह के गैमेट में आ जाएगा स्मॉल टी, और शॉर्ट प्लांट तो एक ही तरह का गैमेट बनाएगा स्मॉल टी वाला गैमेट। अब ये गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो प्रोजेनी बनेगा। फ्यूजन कराने के लिए हम लोग पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट प्लांट के गैमेट को और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं हेटरोजाइगस टॉल प्लांट के गैमेट को। जब हेटरोजाइगस टॉल प्लांट का कैपिटल टी शॉर्ट प्लांट के स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह से आगे भी फ्यूजन होगा और प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां प्रोजेनी बनेगा स्मॉल टी और यहां प्रोजेनी बनेगा स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा दिखाई देगा, टॉल दिखेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। स्मॉल टी कैसा दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। फिर स्मॉल टी कैसा दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। तो चार प्लांट में, एक दो तीन चार प्लांट बना, चार प्लांट में दो प्लांट टॉल हुआ और दो प्लांट शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स 50% दैट इज हाफ ऑफ द प्रोजेनी कैसा हो गया, हाफ ऑफ द प्रोजेनी शॉर्ट हो गया एंड 50% हाफ ऑफ द प्रोजेनी टॉल हो गया। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जब हम टॉल को शॉर्ट के साथ में क्रॉस करा रहे हैं तो 50% जो प्रोजेनी है वो शॉर्ट हो रहा है, तो बताओ कि टॉल पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। तो टॉल पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ये तो एक कैरेक्टर हुआ, एक और कैरेक्टर बाकी है फ्लावर कलर, उसको भी कर लेते हैं। चलो अब हम लोग फ्लावर के कलर के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम लोग पी प्लांट के कैरेक्टर को पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि व्हाइट कलर का फ्लावर रिसेसिव ट्रेट है एंड पर्पल कलर का फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट है। तो व्हाइट कलर के लिए स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे एंड पर्पल कलर के लिए कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। अगर प्लांट में व्हाइट फ्लावर हो रहा है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू, और अगर प्लांट में पर्पल फ्लावर हो रहा है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है। सो पर्पल फ्लावर के लिए
दो तरह का जीनोटाइप हो सकता है, दैट इज होमोजाइगस पर्पल एंड हेटरोजाइगस पर्पल, लेकिन व्हाइट फ्लावर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का जीनोटाइप होता है, दैट इज होमोजाइगस व्हाइट। चलो अब पर्पल एंड व्हाइट को क्रॉस कराकर देखते हैं कि प्रोजेनी क्या बनता है। सबसे पहले होमोजाइगस पर्पल को व्हाइट के साथ क्रॉस कराकर देखते हैं, तो ये हो गया होमोजाइगस पर्पल और ये हो गया व्हाइट। हम जानते हैं जब क्रॉस होता है तो गैमिट बनता है, और जब गैमिट बनता है तो एलील्स अलग हो जाता है। चूंकि ये पर्पल होमोजाइगस पर्पल है, मतलब दोनों एलील एक जैसा है, कैपिटल W, तो जो गैमिट बनेगा वो एक जैसा होगा, सभी गैमिट में कैपिटल W वाला एलील होगा। व्हाइट का भी जब गैमिट बनेगा तो गैमिट एक जैसा होगा, सभी गैमिट में स्मॉल W होगा। अब इन गैमिट्स को आपस में फ्यूज करा देना है, इसके लिए पनेट स्क्वायर बनाएंगे, और पनेट स्क्वायर में एक तरफ व्हाइट फ्लावर के गैमिट्स को लिखेंगे और एक तरफ पर्पल फ्लावर के गैमिट्स को लिखेंगे और दोनों को फ्यूज करा देंगे। जब कैपिटल W स्मॉल W के साथ फ्यूज करेगा तो प्रोजेनी बनेगा कैपिटल W स्मॉल W। उसी तरह से फिर जब कैपिटल W स्मॉल W के साथ फ्यूज करेगा तो प्रोजेनी बनेगा कैपिटल W स्मॉल W। उसी तरह से फिर से कैपिटल W स्मॉल W और फिर से कैपिटल W स्मॉल W। कैपिटल W स्मॉल W कैसा फ्लावर होगा? कैपिटल W स्मॉल W पर्पल फ्लावर होगा। दैट मीन्स सभी प्रोजेनी, दैट मीन्स 100% प्रोजेनी पर्पल फ्लावर वाले होंगे। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, जब पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराया जा रहा है तो सभी प्रोजेनी में पर्पल फ्लावर हो रहा है। क्वेश्चन में पेरेंट का जीनोटाइप पूछ रहा है, तो पर्पल पेरेंट का जीनोटाइप होगा कैपिटल W, और व्हाइट का तो स्मॉल W ही होगा, क्योंकि व्हाइट के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर्पल के पास तो एक और ऑप्शन है, कैपिटल W स्मॉल W। इस हेटरोजाइगस पर्पल को व्हाइट के साथ क्रॉस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया है। आप चाहो तो अपने रफ कॉपी में करके देख सकते हो। जब आप हेटरोजाइगस पर्पल को व्हाइट के साथ क्रॉस कराओगे तो 50% प्रोजेनी व्हाइट फ्लावर वाला होगा और 50% प्रोजेनी पर्पल फ्लावर वाला होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके पेरेंट का जीनोटाइप निकाल दिए हैं। अब इसी को आपस में मिला देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉल एंड पर्पल को क्रॉस कराया गया है शॉर्ट एंड व्हाइट के साथ, तो टॉल का जीनोटाइप क्या निकला है? कैपिटल T स्मॉल T, तो लिख दिए कैपिटल T स्मॉल T। शॉर्ट का जीनोटाइप क्या निकला है? स्मॉल T स्मॉल T, लिख दिए स्मॉल T स्मॉल T। पर्पल का जीनोटाइप क्या निकाले हैं हम लोग? कैपिटल W कैपिटल W, लिख दिए कैपिटल W कैपिटल W। और व्हाइट का जीनोटाइप क्या निकाले हैं हम लोग? स्मॉल W स्मॉल W। क्वेश्चन में टॉल पेरेंट का जीनोटाइप पूछ रहा है, तो टॉल पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल T स्मॉल T कैपिटल W कैपिटल W। ये C मैच कर रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। चलो अब इसके प्रोजेनी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों प्लांट अपना गैमिट बनाएगा, और जब गैमिट बनाएगा तो जीन का एक एक एलील गैमिट में आएगा। जब टॉल एंड पर्पल का गैमिट बनेगा तो गैमिट दो तरह का बनेगा, एक गैमिट बनेगा कैपिटल T और कैपिटल W वाला, और दूसरा गैमिट बनेगा स्मॉल T कैपिटल W वाला। वही शॉर्ट एंड व्हाइट प्लांट में एक ही तरह का गैमिट बनेगा, स्मॉल T एंड स्मॉल W वाला गैमिट बनेगा। अब इन गैमिट्स को आपस में फ्यूज करा के प्रोजेनी बना लेते हैं। जब कैपिटल T कैपिटल W स्मॉल T स्मॉल W के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल T कैपिटल W स्मॉल W, और जब स्मॉल T कैपिटल W
स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू के साथ फ्यूज करेगा तो प्रोजेनी बनेगा स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. दैट मीन्स 50% प्रोजेनी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनेगा और 50% प्रोजेनी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनेगा. ये प्रोजेनी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैसा दिखेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दिखेगा टॉल एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है तो दिखेगा पर्पल. और ये प्रोजेनी स्मॉल टी है तो दिखेगा शॉर्ट एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है तो दिखेगा पर्पल. तो 50% प्रोजेनी टॉल होगा विद पर्पल फ्लावर एंड 50% प्रोजेनी शॉर्ट होगा विद पर्पल फ्लावर. एंड क्वेश्चन में यही बोल रहा है, जब टॉल एंड पर्पल को क्रॉस करा रहे हैं शॉर्ट एंड व्हाइट के साथ तो सभी प्रोजेनी में पर्पल फ्लावर हो रहा है लेकिन हाफ ऑफ द प्रोजेनी दैट इज 50% प्रोजेनी शॉर्ट हो रहा है. इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को टॉल पेरेंट का जीनोटाइप बताना है तो टॉल पेरेंट का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू. दस सी इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस पेज. अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आई आर लाइकली टू हैव पेरेंट विद लाइट कलर्ड आई. ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चा का आंख लाइट कलर का है तो उसके पेरेंट्स का भी आंख लाइट कलर का होता है. ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, व्हाई और व्हाई नॉट. क्या इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि लाइट आई कलर डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है? देखो बच्चों, जब कोई भी ट्रेट हेटरोजाइगस कंडीशन में भी दिखाई देता है तो वैसे ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, इसमें कैपिटल टी है स्मॉल टी है, मतलब ये हेटरोजाइगस कंडीशन में है और इस कंडीशन में प्लांट टॉल दिख रहा है. दैट मीन्स ये जो टॉलनेस है ये डोमिनेंट ट्रेट है. जब तक हमको जीनोटाइप के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है. और क्वेश्चन में तो सिर्फ फिनोटाइप दिया हुआ है, जीनोटाइप तो दिया ही हुआ नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि लाइट आई कलर डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है. सो इसका आंसर होगा फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट वी कैन नॉट से वेदर लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव. ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको पढ़कर हम नहीं बता सकते हैं कि लाइट आई कलर डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है. बिकॉज इन द स्टेटमेंट ओनली फिनोटाइप इज गिवन, जीनोटाइप इज नॉट गिवन. क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ फिनोटाइप दिया हुआ है, जीनोटाइप नहीं दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स. एक ऐसा प्रोजेक्ट करके दिखाओ, एक ऐसा क्रॉस करके दिखाओ जिससे ये पता चले कि डॉग्स में कौन सा बॉडी कलर डोमिनेंट होता है. डॉग्स में जनरली दो तरह का कलर पाया जाता है, एक ब्लैक और एक ब्राउन. इस ब्लैक एंड ब्राउन में कौन सा डोमिनेंट है ये जानने के लिए हम लोगों को होमोजाइगस ब्लैक एंड होमोजाइगस ब्राउन में क्रॉस कराना होगा. उसके बाद जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आएगा वो जिस कलर का होगा वही कलर डोमिनेंट होगा. चलो एक होमोजाइगस ब्लैक डॉग को एक होमोजाइगस ब्राउन डॉग के साथ क्रॉस कराते हैं. मान लेते हैं कि ब्लैक डॉग मदर है और ब्राउन डॉग फादर है. ब्लैक को कैपिटल B से लिखे हैं, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि ये डोमिनेंट है. इन दोनों के बीच में क्रॉस होने के बाद जो बेबी बनेगा वो जिस कलर का होगा वो डोमिनेंट होगा. जब क्रॉस होता है तो सबसे पहले गैमेट बनता है और जब गैमेट बनता है तो एलील्स अलग हो जाता है. गैमेट में पेयर का सिर्फ एक ही एलील आता है. ब्लैक डॉग के सभी गैमेट में कैपिटल B ही आएगा, इसीलिए ब्लैक डॉग सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनाएगा. और ब्राउन डॉग के सभी गैमेट में स्मॉल B आएगा. दैट मीन्स ब्राउन डॉग भी एक ही तरह का गैमेट बनाएगा. जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेगा तो ऑफस्प्रिंग बनेगा और ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल B स्मॉल B. अगर ये ऑफस्प्रिंग
ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक कलर इज डोमिनेंट, और अगर ये ऑफस्प्रिंग ब्राउन कलर का होता है तो ब्राउन कलर इज डोमिनेंट, क्योंकि हम जानते हैं वही ट्रेट डोमिनेंट होता है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है, और ये प्रोजेनी हेट्रोजाइगस है तो ये प्रोजेनी जैसा दिखाई देगा, इसका जैसा कलर होगा वही कलर डोमिनेंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वेरिएबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये समझाओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन क्यों होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? और ज्यादा variation होना किस तरह से sexually reproducing organism में evolution को affect करता है? तो इसका answer होगा, sexual reproduction give rise to more variable variation because in sexual reproduction two parents are involved. ज्यादा variation होने का वजह है दो parent. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए होता है। ऑफस्प्रिंग गेट द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एज बोथ द पेरेंट कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोम। दो पेरेंट की वजह से ऑफस्प्रिंग में जीन का न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि दोनों पेरेंट अपना आधा आधा क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग को देते हैं। चूंकि ऑफस्प्रिंग के अंदर मम्मी का भी क्रोमोसोम होता है, पापा का भी क्रोमोसोम होता है, इसीलिए ना तो ये 100% अपने पापा जैसा दिखता है ना ही 100% अपनी मम्मी जैसा दिखता है, ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, हेंस ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जैसा होता है, ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन नहीं के बराबर देखने को मिलता है। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर वेरिएशन इवोल्यूशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रोसीड एट अ फास्ट पेस। चूंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसीलिए इनमें इवोल्यूशन ज्यादा स्पीड से होता है। वहीं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोजेनी में मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। हम सब पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होता है उसको 50% क्रोमोसोम अपने पापा मेल पेरेंट से मिलता है और 50% क्रोमोसोम अपनी मम्मी फीमेल पेरेंट से मिलता है, और क्रोमोसोम में जीन होता है, जीन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। दैट मींस बच्चे को 50% जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने पापा से मिला और 50% जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने मम्मी से मिला, हो गया पापा मम्मी का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। सो द आंसर इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी बाय द इक्वल इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। प्रोजेनी दोनों पेरेंट से इक्वल क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, इसीलिए प्रोजेनी में दोनों पेरेंट का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है। ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम होता है। जब फादर एंड मदर आपस में क्रॉस करता है तो बेबी बनाता है। फादर में 46 क्रोमोसोम, मदर में 46 क्रोमोसोम। क्रॉस के पहले दोनों के अंदर गैमेट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस प्रोसेस की वजह से गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। फादर के गैमेट को स्पर्म कहते हैं। स्पर्म में 46 का हाफ 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, और मदर के गैमेट को एग कहते हैं। एग में भी 46 क्रोमोसोम का हाफ 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, और जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है तो बेबी बनता है। बेबी में वापस से हो जाता है 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 क्रोमोसोम पापा से मिला और 23 क्रोमोसोम मम्मी से मिला बेबी को। और हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है और जीन के अंदर कैरेक्टर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और हम यहाँ देख रहे हैं
कि पापा के तरफ से 50% जेनेटिक कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मम्मी के तरफ से भी 50% जेनेटिक कंट्रीब्यूशन आ रहा है। दैट मीन्स मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट का प्रोजेनी में इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हमारे बुक के एक्सरसाइज में जितना भी जेनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है वो कम्प्लीट होता है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे।